Welcome to this third lecture of Digital Image Processing, and I am your teacher Noman Kadir. Let's start from contents of today's lecture. Today, first of all, we will revise the concept of digital image representation. In fact, we had learned this concept in lecture number one. So after that, we will see that what's the difference between analog and digital signals. And then we will see that what's the image acquisition process and what are the meaning of sampling and quantization. And then we will see the concept of spatial resolution of image that depends upon sampling. Then we will see that what's the intensity level resolution of image. And then we will see that what are those factors that determine that how much resolution of image is sufficient. And finally, at the end of this lecture, I will try to give you an idea of digital camera's resolution. In fact, I will start from giving you an example of first commercially available digital camera that was in 1975, and then I will give you another example from modern digital camera. Okay, so let's start from the first concept of today's lecture, and that is digital image representation. अच्छा, हमने लेक्चर नंबर वन में ये बात की थी कि डिजिटल इमेज इज़ जस्ट लाइक अ टू डायमेंशनल अरे, जिसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपके सामने एक डिजिटल इमेज है जिसमें m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं, और किसी रो और कॉलम के पर्टिकुलर सेक्शन पर जो एक सेल बनता है, वहाँ पे एक वैल्यू होती है जिसे हम एक पिक्सल कहते हैं. ओके, तो हमने ये भी बात की थी कि इन केस ऑफ बाइनरी और ग्रे लेवल इमेज, दिस पिक्सल कंटेन्स ओनली वन सैंपल, वेयर एज इन कलर इमेजेस केस वन पिक्सल कंटेन्स थ्री सैंपल्स. ओके, तो ग्रे लेवल के केस में हमने बात की थी कि वो जो एक सैंपल एक पिक्सल में होता है, उस सैंपल की वैल्यू जो है वो किसी ग्रे की शेड को शो करती हैं. ये शेड ब्लैकनेस से वाइटनेस के दरमियान कोई भी शेड हो सकती है. ओके, तो हमने बात की थी कि अगर एक पिक्सल को एक बाइट के ज़रिए से, मींस 8 बिट्स के ज़रिए से रिप्रेजेंट किया जाए, देन 2^8, दैट इज़ 256 पॉसिबल ग्रे लेवल की शेड्स को एक पिक्सल की वैल्यू के ज़रिए से शो किया जा सकता है. ओके, जबकि बाइनरी इमेजेस के केस में एक पिक्सल की वैल्यू या तो ब्लैक हो सकती है या वाइट हो सकती है. तो इट मींस के इट कैन बी शोन बाय ओनली वन बिट, एंड द जीरो वैल्यू ऑफ दैट बिट रिप्रेजेंट्स ब्लैकनेस एंड वन वैल्यू ऑफ दैट बिट रिप्रेजेंट्स वाइटनेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, तो ये तो बात हुई कि एक मखसूस पिक्सल जो है वो ग्रे या बाइनरी के केस में एक सैंपल रखती है, जबकि कलर के केस में तीन सैंपल्स इस वजह से होते हैं चूँकि हमें किसी भी कलर की पहचान करने के लिए तीन बुनियादी कलर्स यानी रेड, ग्रीन और ब्लू की पर्टिकुलर शेड्स के बारे में बताना पड़ता है. ओके, सो दिस वॉज द डिजिटल इमेज रिप्रेजेंटेशन. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज What is the difference between analog and digital signals? Analog signals की जो values होती हैं वो continuously vary कर सकती हैं, वो कहीं पर भी कोई भी value हो सकती है, जबकि digital signals की values एक मखसूस set of values में से होगी. ओके, और इस set का finite होना ज़रूरी है. ओके, so हम ये कह सकते हैं कि एनालॉग सिग्नल्स की वैल्यूज़ जो हैं वो कंटिन्यूसली वेरी करती हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल्स की वैल्यूज़ जो हैं वो दे बिलोंग टू और दे कैन बी कन्फाइंड टू और दे आर लिमिटेड टू अ फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज़. ओके,
एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड दिस कन्वर्जन प्रोसेस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि क्वांटाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ कंटिन्यूस एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिग्नल। ये हम इनफैक्ट क्वांटाइजेशन की बात क्यों कर रहे हैं, चूँकि हम डिजिटल इमेज एक्विजिशन को पढ़ने जा रहे हैं, और डिजिटल इमेज एक्विजिशन का मतलब है कि फिजिकल वर्ल्ड से जो सीन को कैप्चर किया, जो कि बेसिकली कंटिन्यूस एनालॉग सिग्नल्स थे, उनको डिजिटल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है, जो कि बेसिकली डिजिटल सिग्नल्स थे। तो इट मीन्स डिजिटल कैमराज आर गोइंग टू कन्वर्ट कंटिन्यूस एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दो सिग्नल्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। तो हमने पढ़ा था कि डिजिटल कैमरा इमेज को कैसे कैप्चर करता है, कि आपके पास पहली बात तो कोई इल्यूमिनेशन सोर्स होना चाहिए, कोई लाइट जो है वो उसका सोर्स होना चाहिए। वो लाइट जब किसी एक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, तो उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद, उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद, उसकी जो रेज़ हैं, लाइट की जो रेज़ हैं, या यूँ कह लें कि लाइट के जो सिग्नल्स हैं, बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी के जो फोटॉन्स हैं, ठीक है। और आपको पता है कि लाइट के ये जो सिग्नल्स हैं, लाइट के जो फोटॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं। हम रिकॉल करते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 को, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे लाइट के बारे में पढ़ा था, और हमने देखा था कि लाइट जो है बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो कंटिन्यूस सिग्नल्स होते हैं, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं, इसको कैमरा डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। ओके, तो इस पूरे डिजिटल इमेज एक्विजिशन के प्रोसेस में हम ये कह सकते हैं कि एक इल्यूमिनेटेड सीन्स की जो लाइट एनर्जी फोटॉन्स हैं, जब वो किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होते हैं, देन दे आर गोइंग टू बी कैप्चर्ड बाय अ डिजिटल कैमरा सेंसर, और इस सेंसर को कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर कहते हैं। ओके, और इस सेंसर का जिसे हम ट्रांसड्यूसर भी कह सकते हैं, काम ये होता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट के सिग्नल्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ओके, और यूँ वो डिजिटल सिग्नल्स जो हैं, वो डिजिटल कैमरा की मेमोरी में जाके सेव हो जाते हैं, और इस तरह से हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड का सीन है, दैट इज़ गोइंग टू बी कैप्चर्ड एज अ डिजिटल इमेज। अच्छा जी, ये एक डिजिटल इमेज एक्विजिशन का प्रोसेस थोड़ा और डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि फिजिकल वर्ल्ड के जो कंटिन्यूस एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, पहले जो कैमरे का सेंसर होता है, जिसे हम ट्रांसड्यूसर भी कह सकते हैं, इनफैक्ट ट्रांसड्यूसर की टर्म जो है वो ज़्यादा जनरल है, हर उस डिवाइस को ट्रांसड्यूसर कह सकते हैं जो डिवाइस किसी एक एनर्जी के सोर्स को किसी दूसरे एनर्जी के सोर्स में कन्वर्ट करता है। सो इट मीन्स के कैमरे का जो सेंसर है, दैट एक्ट्स लाइक अ ट्रांसड्यूसर, और ये एक कंटिन्यूस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के सिग्नल्स हैं, उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। अच्छा, हाउ एवर दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर नॉइजी सिग्नल्स, इट मीन्स के इसमें कुछ नॉइज़ हो सकती है। ये किस किस्म की नॉइज़ हो सकती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ जब एक सीन को कैप्चर किया जाता है, तो कुछ जो है वो एनवायरमेंटल या स्ट्रक्चरल चीज़ें होती हैं जो इफ़ेक्ट हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे टेम्परेचर हो गया या वाइब्रेशन हो गई, ये सेंसर को मुतासिर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों की मेजरमेंट करना, और फिर इस किस्म की चीज़ों की फिल्ट्रेशन करते हुए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिफ़ाइन करना, ये काम सिग्नल कंडीशनिंग के अंदर होता है, और इस काम के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो फिर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। सो आई रिपीट, कंटिन्यूस एनालॉग सिग्नल्स दैट बिलोंग टू अ फिजिकल सिस्टम
आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू द सेंसर ऑफ कैमरा दैट कैन बी नेम्ड एज ट्रांसड्यूसर. देन दीज सिग्नल्स आर फिल्टर्ड और दीज सिग्नल्स आर रिफाइंड बाय मेजरिंग सम एनवायरमेंटल और स्ट्रक्चरल थिंग्स लाइक टेम्परेचर एंड वाइब्रेशन दैट आर गोइंग टू बी टू अफेक्ट द कैमरा सेंसर. And then after refinement of these electrical signals, these electrical signals are going to be converted into digital signals. Okay? तो digital से मुराद ये है कि अब इन continuous analog values को discrete set of values में convert कर दिया गया. अब और आखिरी step ये है कि इन discrete set of values के against जो भी binary में code बनते हुए वो assign करने के बाद हम इसे जो है वो as a digital image computer के अंदर save कर सकते हैं. ये डिजिटल इमेज एक्विजिशन का प्रोसेस कैसे होता है हम इसको इस एग्जांपल के ज़रिए से मज़ीद समझते हैं, जिसमें हम दो कॉन्सेप्ट्स को एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे. एक सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट है और एक क्वांटाइजेशन का, जो कि आप देख चुके हैं कि क्वांटाइजेशन से मुराद ये है कि क्वांटिफाई करना एनालॉग सिग्नल को किसी न किसी डिस्क्रीट सेट की वैल्यू के अंदर, मींस उसे डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना. ओके तो देखें, ये फर्ज करें ये जो सीन है, इस ऑब्जेक्ट को हमने कैप्चर किया, इसके अगेंस्ट अगर हम टू डायमेंशनल ग्रिड बना दें तो इस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक ये एक मखसूस रो होगी उस ग्रिड में. ठीक है, तो हम पूरे इमेज की बजाय जस्ट इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस रो को समझते हैं कि इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक जितने इल्यूमिनेशन लेवल्स हैं, जब उनको मखसूस सैंपल लेकर मैयर किया गया तो कहाँ पर कितना इल्यूमिनेशन मिला. ठीक है, तो लेट्स सी हियर. अच्छा, आप देखते हैं कि अगर हम पॉइंट ए से स्टार्ट करें तो हम लेट्स से इस मखसूस पॉइंट ए पर इल्यूमिनेशन का क्या लेवल है ये जब मैयर किया गया तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर टोटली वाइटनेस है. ठीक है, तो अगर हम एक ग्रे लेवल इमेज की बात करें, जो कि एक्चुअली ये इमेज है, तो हम ये कहेंगे कि इस ग्रे लेवल को क्वांटिफाई किया जा सकता है प्योर ब्लैक से वाइटनेस की तरफ, प्योर वाइटनेस की तरफ. ठीक है, यानी अगर हम इसके अगेंस्ट एक ग्राफ बनाएं तो उस ग्राफ का जो सबसे निचला लेवल है वो प्योर ब्लैकनेस को शो करेगा और सबसे ऊपर वाला लेवल जो है वो प्योर वाइटनेस को शो करेगा और दरमियान में ग्रे की शेड्स हैं. ठीक है, तो ये एक ग्राफ है आपके सामने जिसके वाई एक्सिस में क्वांटिफाई किया हुआ है इल्यूमिनेशन लेवल्स को, यानी कि ग्राफ वाई एक्सिस में सबसे निचली वैल्यू जो है प्योर ब्लैक की है और सबसे ऊपर वाली वैल्यू जो है प्योर वाइट की है. ठीक है, और ये जो एक्स एक्सिस में डिफरेंट सैंपल्स लिए हुए हैं, ये लाइंस जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इस पॉइंट पर हमने पहला सैंपल लिया, देन हमने इस पॉइंट पर अगला इल्यूमिनेशन का क्या लेवल है ये चेक करने के लिए अगला सैंपल लिया. तो हम देखते हैं कि इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक शुरू के कुछ सैंपल्स जो हैं वो टोटली वाइट आएंगे. ठीक है, यही वजह है कि यहाँ पर हमारी मेजरमेंट वाइट आई, अगेन वाइट 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 प्योर वाइट. ठीक है, लेकिन उसके बाद ही जैसे ही इस ऑब्जेक्ट की बाउंड्री स्टार्ट हुई तो हम इस प्योर वाइटनेस से एकदम जो है वो यहाँ पर ब्लैकनेस की तरफ आ गए. अच्छा, हम थोड़ा सा आगे देखते हैं इसे, तो ये जो ब्लैक की शेड है आगे कम होना शुरू हो जाती है, यानी कि ये थोड़ी लाइट होना शुरू हो जाती है. तो यही वजह है कि इस ब्लैक की शेड से ये ग्राफ वाइटनेस की तरफ जा रहा है. अच्छा, फिर एक मखसूस पॉइंट पर पहुँचने के बाद हमने जो नेक्स्ट सैम्पल्स गैदर किए तो पता चला कि एक मखसूस पॉइंट पे गुजरने के बाद फिर ये ब्लैकनेस की तरफ जा रहा है. ठीक है, और ये ब्लैकनेस बढ़ती जा रही है. ठीक, और जब ये इस ऑब्जेक्ट की बाउंड्री तक पहुंचेगा तो ये ब्लैकनेस अपनी पीक तक आएगी और इसके फौरन बाद ये एग्जैक्टली वाइटनेस में चला जाएगा. तो इस तरह से ग्राफ जो है यहाँ से वाइटनेस की तरफ आ गया. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रे लेवल डिजिटल इमेज है ये जिन
कंटिन्यूस लाइट के जो सिग्नल्स हैं उनको मैयर किया गया डिफरेंट सैंपल्स लेके, तो हर सैंपल के अगेंस्ट ये जजमेंट की गई कि इस सैंपल के अंदर डिजिटल सिग्नल्स जो जो कि डिजिटल इमेज के सिग्नल्स होंगे उसमें से एग्जैक्टली कौन सी वाली जो है वो वैल्यू में फॉल करता है। इन अदर वर्ड्स, इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक इस ग्रे लेवल इमेज में अगर हम देखते हैं तो इस पूरी लाइन के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स होंगे जो बेसिकली डिफरेंट सैंपल्स को शो कर रहे होंगे, और हर सैंपल के अगेंस्ट कोई वैल्यू होगी और वो वैल्यू बेसिकली ग्रे लेवल के एक शेड में क्वांटिफिकेशन होगी। ओके, सो आप इससे इजीली जज कर सकते हैं कि अगर ये पॉइंट्स ज़्यादा हुए, मींस ये सैम्पलिंग ज़्यादा हुई, तो हमारे पास सीन की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, इट मींस ज़्यादा रिफाइंड सीन होगा। ठीक है, इन पॉइंट्स को या इन सैम्पल्स को हम पिक्सल्स भी कह सकते हैं, जबकि एक मखसूस पॉइंट पर या एक मखसूस सैम्पल की जो वैल्यू है वो कितनी किस्म के ग्रे लेवल के शेड्स में क्वांटिफाई की जा सकती है, इस फर्दर रिफाइनमेंट को जो है हम इमेज की इंटेंसिटी लेवल रेजोल्यूशन कह सकते हैं। ओके, सो सैम्पलिंग का ज़्यादा होना या कम होना, यानी पिक्सल्स का ज़्यादा होना या कम होना, इस चीज़ को हम स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ इमेज कहेंगे, और किसी एक पिक्सल की कितनी किस्म की स्टेट्स के अंदर क्वांटिफिकेशन हो सकती है, इस चीज़ को हम इंटेंसिटी लेवल रेजोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो हम अगले टॉपिक्स में इन दो किस्म की रेजोल्यूशंस को देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पर एक ही सीन को कैप्चर किए हुए जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट है ये फ्लावर, इसको कैप्चर किया गया है, तो डिफरेंट स्पेशल रेजोल्यूशंस पर कैप्चर किया गया है, तो इसके जो है ना वो डिफरेंट इमेजेस हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो इमेज है इट कंटेन्स 1024 पिक्सल्स हॉरिजॉन्टली मींस विड्थ वाइज एज वेल एज 1024 पिक्सल्स वर्टिकली मींस हाइट वाइज। तो इस इमेज की आप विड्थ इनटू हाइट कह सकते हैं कि 1024 इनटू 1024 पिक्सल्स है। दिस इज़ कॉल्ड द स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ दिस इमेज, यानी इसकी स्पेशल रेजोल्यूशन 1024 बाय 1024 जो है वो है, लेकिन अगर हम इधर देखते हैं तो ये वही पिक्चर जो है 512 बाय 512 स्पेशल रेजोल्यूशन की पिक्चर है। ठीक है, देन हम इसको मज़ीद हाफ़ करते जाते हैं, 256 बाय 256, देन 128 बाय 128, 64 बाय 64 एंड 32 बाय 32 पिक्सल पिक्चर्स। ओके, तो हम देखते हैं कि जितनी ज़्यादा स्पेशल रेजोल्यूशन होगी उतनी ज़्यादा इमेज के अंदर इंफॉर्मेशन वाज़े होगी। अगर हम उन्हीं पिक्चर्स को सेम लेवल पे रख के देखें तो आप यहाँ पे जज कर सकते हैं कि ये बहुत रिफाइंड इमेज है, वेयर एज़ यहाँ पे डिटेल कम हो गई, यहाँ पे मज़ीद डिटेल कम हो गई सीन की, और फिर ये मज़ीद कमी होती जा रही है क्वालिटी ऑफ इमेज की। ओके, अच्छा, एक और रेजोल्यूशन भी होती है, वो इंटेंसिटी लेवल रेजोल्यूशन है, यानी इस चीज़ से कतअ नज़र कि इमेज के अंदर कितनी सैम्पलिंग हुई है, यानी इमेज के अंदर कितने पिक्सल्स हैं। ठीक है, हम ये देखना चाहते हैं कि एक पिक्सल की वैल्यू के अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन कंटेंड है। ठीक है, तो अगर एक पिक्सल को फॉर एग्जांपल एक बिट के ज़रिए से रिप्रेजेंट किया जाए तो जाहिर है कि एक बिट की दो ही स्टेट्स हो सकती हैं, तो इट मींस सिर्फ दो इल्यूमिनेशन के लेवल्स को उस पिक्सल के ज़रिए से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या तो वो बिट ज़ीरो होगी या फिर वो बिट जो है वो वन होगी, और ये केस आमतौर पे बाइनरी इमेजेस का केस होता है।
जिसमें एक्चुअली किसी एक मखसूस पिक्सल पे यानी किसी एक मखसूस पॉइंट पे इमेज के अंदर आपको सिर्फ ये बताना होता है कि यहाँ वाइटनेस है या ब्लैकनेस है, दैट्स ऑल। दो ही किस्म की पॉसिबल स्टेट्स हैं, दैट्स वाई सच इमेज इज कॉल्ड बाइनरी इमेज। जबकि ग्रे लेवल इमेजेस के केस में दो से ज़्यादा फिर हमें शेड्स चाहिए होती हैं, तो फिर इसका मतलब है कि एक पिक्सल की एक बिट नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट एक से ज़्यादा बिट्स होनी चाहिए। अच्छा, अगर वो दो बिट्स हुई तो इट मीन्स के पॉसिबल चार इंटेंसिटी लेवल्स को शो किया जा सकता है, और इसी तरह से अगर वो चार बिट्स हुई तो 16, ठीक है, तो एंड सो ऑन। तो अगर फ़र्ज़ करें एक ग्रे लेवल इमेज में एक पिक्सल की वैल्यू को एक बाइट के ज़रिए से रिप्रेजेंट किया जाता है यानी 8 बिट्स के ज़रिए से, देन 2^8 मीन्स 256 पॉसिबल ग्रे लेवल की शेड्स को शो किया जा सकता है, ठीक है। तो इट मीन्स के इंटेंसिटी लेवल रेजोल्यूशन डिटरमिन्स दैट हाउ मैनी इंटेंसिटी लेवल्स ऑफ लाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 पिक्सल, ओके, और इट इज़ समटाइम कॉल्ड एज बिट्स पर पिक्सल, क्योंकि ये इंटेंसिटी लेवल रेजोल्यूशन बताती है कि एक पिक्सल के अंदर कितनी बिट्स होंगी, ठीक है, जो कि इस चीज़ का तायुन करेगी कि ये पिक्सल कितनी किस्म के इंटेंस लाइट के इंटेंसिटी लेवल्स में तमीज़ कर सकती है या उनको शो कर सकती है। अच्छा, ये एक ही सीन को लिया हुआ है डिफरेंट इंटेंसिटी लेवल्स पर, यानी एक ऐसा इमेज है जिसकी आपके पास 8 किस्म की इंटरप्रिटेशंस हैं एक ही सीन की, एक ही इमेज की, और इन तमाम इमेजेस में स्पेशल रेजोल्यूशन सेम है, मींस द नंबर ऑफ पिक्सल्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली आर सेम, लेकिन फ़र्क कहाँ पे है इंटेंसिटी लेवल रेजोल्यूशन में। ये जो सबसे नीचे है ये वाला बाइनरी इमेज है जहाँ पे हर पिक्सल के पास सिर्फ एक बिट है। तो हम आगे चलते हैं, ये जो है इसमें हर पिक्सल के पास 2 बिट्स हैं, मींस 2 बिट्स पर पिक्सल। तो इस तरह से आप हर पॉइंट के ऊपर यानी हर पिक्सल के ऊपर आप ग्रे लेवल के 4 पॉसिबल शेड्स में से कोई शेड बता सकते हैं। हम आगे जाते हैं, अगर ये 3 बिट्स पर पिक्सल हो तो मज़ीद इंफॉर्मेशन नुमायाँ हो सकती है इस इमेज में, चूँकि फिर ग्रे लेवल के 8 किस्म के शेड आ सकते हैं, एंड सो ऑन। हम जाते हैं यहाँ पे हमारा फाइनेस्ट जो लेवल है जहाँ पर ग्रे लेवल के 256 पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं वो शो की जा सकती हैं। तो ये इमेज सबसे रिफाइंड इमेज है इन तमाम इमेजेस में, और आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा डिटेल मौजूद है। तो इट मींस कि इंटेंसिटी लेवल रेजोल्यूशन बढ़ाने से इमेज के अंदर क्वालिटी एनहांस होती है, क्योंकि आप जिस रियल वर्ल्ड के सीन को कैप्चर करके डिजिटल इमेज में लाए हैं आपके पास ज़्यादा स्टेट्स इंटेंसिटी लेवल की स्टेट्स में रिप्रेजेंट करने की सलाहियत है, ठीक है। अच्छा, हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन और इंटेंसिटी लेवल रेजोल्यूशन के कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि किसी इमेज की कितनी रेजोल्यूशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, पहली चीज़ तो ये है कि आपकी एप्लीकेशंस डिसाइड करेंगी कि आपके इमेज की कैसी रेजोल्यूशन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई ऐसा इमेज जो है वो कैप्चर किया जिसके अंदर से आपने व्हीकल्स को जस्ट काउंट करना है, तो इस काउंटिंग में कोई हमें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है और इतनी रिफाइंड रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, तो इस तरह का इमेज भी सफिशेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारा टास्क ये एप्लीकेशन ऐसी हुई कि हमने किसी व्हीकल की नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज करना है, तो इस नंबर प्लेट को रीड करना या रिकॉग्नाइज करना ये डिमांड करेगा कि इमेज की रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, मींस उसकी स्पेशल रेजोल्यूशन भी अच्छी होनी चाहिए और उसकी जो है वो इंटेंसिटी लेवल रेजोल्यूशन भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ऑफ कोर्स ये इमेज जिसमें रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा डिटेल और ज़्यादा जो है वो रिफाइंड इमेज है, लेकिन
इसका रिफाइन होना इसका फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग ज़्यादा टाइम रिक्वायर करेगी, यानी कि इसके लिए हमें ज़्यादा एफिशिएंट एल्गोरिदम्स चाहिए और ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा जो इस किस्म की एप्लीकेशंस में यूज़ होगा। लेकिन एप्लीकेशन की नौईयत ऐसी है कि इसमें ऐसे इमेज चाहिए जिसमें ज़्यादा डिटेल मौजूद हो, तो ज़्यादा रेजोल्यूशन वाले इमेजेस इन एप्लीकेशंस के लिए मौजू होंगे। अच्छा, जो हमारी जैसे काउंटिंग व्हीकल की एप्लीकेशन है, अगर उसमें हम इस तरह की रेजोल्यूशन वाला इमेज भी यूज़ कर लें तो हमें इसका पोटेंशली एक फ़ायदा है कि ऐसी रेजोल्यूशन चूँकि कम होगी तो ऐसे इमेज को प्रोसेस करने पे टाइम कम खर्च होगा। ठीक है, तो इस तरह से रेजोल्यूशन बढ़ाने का कुछ फ़ायदा भी है और इन टर्म्स ऑफ टेकिंग मोर टाइम इन प्रोसेसिंग ऑफ दैट इमेज, उसका कुछ नुकसान भी है। ठीक है, तो कितनी रेजोल्यूशन होनी चाहिए ये डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन पे। सेकेंडली, ये डिपेंड करता है कि आप इमेज के अंदर कितनी डिटेल जो है ना वो मौजूद है, या आपके सीन के अंदर कितनी डिटेल मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो सीन है यहाँ पे लो डिटेल मौजूद है, यानी कम डिटेल है। जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे इसकी निस्बत ज़्यादा डिटेल मौजूद है, क्योंकि इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे ये ह्यूमन है ये फ्रंट पे मौजूद हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं बैक एंड पे भी हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ मीडियम लेवल की डिटेल है, और ये जो इमेज है जो क्राउड का इमेज है इसमें हाई लेवल की डिटेल मौजूद है, यानी इसमें ज़्यादा चीज़ें जो है वो देखनी पड़ रही हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है। तो इट मीन्स कि हाई लेवल की डिटेल जहाँ पे सीन के अंदर मौजूद होगी, तो उस डिटेल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें हाई रेजोल्यूशन के इमेजेस चाहिए होंगे। वेयर एज जहाँ पे सीन के अंदर इन्फॉर्मेशन ही कम है तो हमें उस इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने में इतनी मुश्किल पेश नहीं आएगी, इवन के उस इमेज की रेजोल्यूशन लो हो। और फाइनली हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि हमारे जो कमर्शियली अवेलेबल डिजिटल कैमरास हैं उनकी रेजोल्यूशन कितनी है। तो मैंने यहाँ पर जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि हमारा डिजिटल इमेजिंग का जो कैमरास के ज़रिए से जो सफ़र है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं, तो मैंने एक ये पहला कैमरे की कुछ तफसील आपके सामने रखी है। ये फर्स्ट अवेलेबल कमर्शियली अवेलेबल डिजिटल कैमरा था जो 1975 में मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया गया, और ये साइक्लॉप्स डिजिटल कैमरा इसे कहते थे, और इसके जो स्पेशल रेजोल्यूशन थी दैट वाज 32x32 पिक्सल्स। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना जो है वो सिंपल इमेज होगा, जिसमें विड्थ वाइज भी जस्ट 32 सैम्पल्स थे, जस्ट 32 पिक्सल्स थी, और हाइट वाइज भी जस्ट 32 पिक्सल्स थी। अच्छा, तो इसकी जो इंटेंसिटी लेवल रेजोल्यूशन थी दैट वाज ओनली 4 बिट्स पर पिक्सल, यानी कि अगर ये कलर इमेज को ये कैप्चर कर रहा है तो इसका हर पिक्सल जो है वो 3 सैंपल रखेगी, वन फॉर रेड, वन फॉर ग्रीन एंड वन फॉर ब्लू। सो लेट्स से अगर एक सैंपल जो है उसमें जस्ट 4 बिट्स हैं, तो इट मींस 2^4 मींस जस्ट 16 शेड्स रेड की, 16 शेड्स ग्रीन की, और 16 शेड्स ब्लू की ये जस्ट कैप्चर करने की सलाहियत रखता था। तो इसका मतलब ये हुआ 16x16x16 इज़ इक्वल टू 4096 पॉसिबल कलर टोन्स थी जो किसी एक पिक्सल के ज़रिए से इस कैमरे की मदद से रिप्रेजेंट की जा सकती थी, यानी कि 496 किस्म का जो है ना कलर के जस्ट शेड थे टोटल, जिनमें से कोई एक शेड एक पिक्सल की वैल्यू के ज़रिए से रिप्रेजेंट किया जा सकता था, और इसमें पिक्सल्स की रेजोल्यूशन 32x32 थी। सो ये तो था इस सफ़र का आगाज़ डिजिटल कैमरास के, जो 1975 की बात है। अब हम आते हैं आज के एक मॉडर्न कैमरे पे, जो लेट से ये कैनन कंपनी का कैमरा है EOS 5DS। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फ़रवरी 2016 बाय कैनन। तो
तो ये कमर्शियली अवेलेबल है, एक अच्छा कैमरा है जो आज के लेटेस्ट कैमराज में इसका शुमार होता है। और आप देखें इसकी जो मैक्सिमम स्पेशल रेजोल्यूशन है दैट इज़ अबाउट 8688, मीन्स 8688 इसकी एक इमेज के अंदर इसकी पिक्सल्स होंगी विड्थ वाइज, जबकि हाइट वाइज जो है इसमें 5792 पिक्सल्स होंगी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतनी पिक्सल्स, यानी हम अगर इस फिगर को ज़रब दें तो दैट इज़ अबाउट 50.6 मेगा पिक्सल्स। मेगा कहते हैं 10^6 को, तो 10^6 एक्चुअली एक मिलियन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि 50.6 मिलियन पिक्सल्स मौजूद हैं एक डिजिटल इमेज के अंदर जो इस कैमरे से कैप्चर किया जा सकता है। तो अगर इसको फुल रेजोल्यूशन पहले जाके इससे कैप्चरिंग की जाए तो 50.6 मिलियन पिक्सल्स जो हैं, यानी कि 50.6 मिलियन आपने सैंपल्स रियल वर्ल्ड के सीन के लिए, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी रिफाइंड किस्म की डिटेल आपके डिजिटल इमेज में आ सकती है। एज़ वेल एज़ इसकी हर पिक्सल के अंदर जो जो एक मखसूस कलर की शेड होगी वो तकरीबन 12 बिट्स पर पिक्सल कंटेन करेगी। इट मीन्स के अगर हम रेड की बात करें तो 12 पिक्सल्स रेड के लिए, ग्रीन के लिए भी 12 पिक्सल्स और ब्लू के लिए भी 12 पिक्सल्स। 12 का मतलब है 2^12, दैट इज़ इक्वल टू 4096। तो इट मीन्स 1 पिक्सल इन एन इमेज कैप्चर्ड बाय दिस कैमरा कैन शो 4096 इंटेंसिटी लेवल्स ऑफ रेड एज वेल एज 4096 लेवल्स ऑफ ग्रीन एंड 4096 लेवल्स ऑफ ब्लू, विच मीन्स 4096 ^3 इज इक्वल टू 68 बिलियन कलर टोन्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 पिक्सल ऑफ दैट इज इन इन द इमेज कैप्चर्ड बाय दिस कैमरा। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारा ये सफ़र जो 1975 से स्टार्ट होता है और उसमें जस्ट डिजिटल कैमरा की कैपेसिटी ये थी कि वो 32x32 जो स्पेशल रेजोल्यूशन का इमेज मैक्सिमम कैप्चर कर सकता था, और हर एक पिक्सल जस्ट 4096 कलर टोन्स को रिप्रेजेंट कर सकती थी। तो ये सफ़र आज तकरीबन यहाँ पहुँचा हुआ है कि एक डिजिटल इमेज में 50.6 मिलियन पिक्सल्स रिप्रेजेंट की जा सकती हैं, वेयर एज हर पिक्सल जो है वो तकरीबन 68 बिलियन कलर टोन्स को रिप्रेजेंट कर सकती है। ओके, सो आई होप कि आपको आज डिजिटल इमेज एक्विजिशन से रिलेटेड और कैसे हमारी रियल वर्ल्ड के सीन को डिजिटल इमेजेस में रिप्रेजेंट किया जा सकता है इससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे, नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स, वो हमारे मैटलैब पर होंगे। तो इंशाल्लाह मैटलैब का एक ट्यूटोरियल हम फॉलो करते हुए कुछ प्रैक्टिकली मैटलैब पे काम करेंगे, और आप जब उन कमांड्स को, उन चीज़ों को मैटलैब में सीख जाएंगे तो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इमेज एनहैंसमेंट होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।